सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज दे इस वीडियो दे विच हिस्टरी दे नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुसी इस चैनल दे नवे हो, अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो, इस बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। इस दे नाल ही शुरू करते हैं हिस्टरी दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 असं डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर केड़े गुरु साहिबान नू मिलन गोविंद वाल आया। तो इसका ऑप्शन है गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु हरि राय जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है जी, गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म का प्रचार अते प्रसार करने लई केड़ी प्रथा शुरू की? मसंद प्रथा, मंजी प्रथा, संगत प्रथा, लंगर प्रथा। तो इसका राइट आंसर है जी, मंजी प्रथा। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म का प्रचार अते प्रसार दे लई केड़ी प्रथा शुरू की, जिसका राइट आंसर है जी, मंजी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, हरिमंदर साहिब दी नींह किस सूफी संत ने रखी? संत मियां मीर, बाबा फरीद, संत कबीर, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है जी, संत मियां मीर इज़ द राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु गद्दी दा पिता पुरखी सिद्धांत किस गुरु साहिबान ने शुरू किया? गुरु गद्दी दा पिता पुरखी सिद्धांत किस गुरु साहिबान ने शुरू किया? गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, गुरु हरि राय जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है जी, गुरु अमरदास जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु रामदास जी ने सिख धर्म का प्रचार अते प्रसार करने लई केड़ी प्रथा चलाई? तो इसका राइट आंसर है जी, मसंद प्रथा। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म का प्रचार अते प्रसार दे लई केड़ी प्रथा चलाई? इसका राइट आंसर है जी, मसंद प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस गुरु साहिबान ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया? गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदेव जी, गुरु हरि राय जी। जिसका राइट आंसर है जी, गुरु अर्जन देव जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी ने 1590 ईस्वी विच रावी अते ब्यास नदियां विचकार केड़ा नगर बसाया? कीरतपुर, गोइंदवाल, तरन तारण, आनंदपुर साहिब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 है जी, तरन तारण। तरन तारण इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव जी ने किन्ने शब्द की रचना की? 907, 960, 689, 2218। तो इसका राइट आंसर है जी, गुरु अर्जन देव जी ने 2218 शब्द की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस मुगल सम्राट ने गुरु अर्जन देव जी को कत्ल करवाया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है जी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस गुरु साहिबान ने मीरी अते पीरी
नाम दियां दो तलवारां धारण कीतियां गुरु हरी राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु हर गोविंद, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्शन थर्ड है जी, गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, गुरु हर गोविंद जी ने केड़ी उपाधि धारण की? सच्चे पातशाह, महाराजा, सम्राट, सच्चे गुरु। इसका राइट आंसर है जी सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की गुरु गोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, अकाल तख्त की उसारी किस गुरु सहिबान ने करवाई? ऑप्शन है गुरु हर गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरी राय, गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है गुरु हर गोविंद जी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर दी किले बंदी समय गुरु हर गोविंद जी ने किड़े किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन है जी शेरगढ़, लोहगढ़, भीमगढ़, जयगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है जी लोहगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरु हर गोविंद जी ने केड़ा शहर बसाया? करतारपुर, कीरतपुर, तरन तारण, अमृतसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है जी कीरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु हर गोविंद जी ने अपना उत्तराधिकारी किस नूं चुनिया? गुरु हर कृष्ण, गुरु हरी राय जी, बाबा गुरुदित्ता जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो इसका राइट ऑप्शन है जी गुरु हर राय जी, ऑप्शन सेकंड है जी गुरु हर राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु हर राय जी नू दिल्ली किस मुगल सम्राट ने बुलाया? दारा शिको, औरंगजेब, शाहजहां, बादशाह। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड है जी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, बाल गुरु दे नाम नाल किस गुरु सहिबान नू जानिया जंदा है? गुरु हर कृष्ण जी, गुरु हरी राय जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इसका राइट आंसर है जी गुरु हर कृष्ण जी नू बाल गुरु दे नाम नाल जानिया जंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गुरु नानक देव जी दे पिता डैसन डॉक्टर सुल्तान पटवारी सेनापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है जी गुरु नानक देव जी दे पिता पटवारी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, गुरु नानक देव जी द्वारा भुखे साधुओं नूं 20 रुपए का भोजन करवाण दी घटना नूं की कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति, सच्चा सौदा, महापरिनिवारण, उदासी। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड है सच्चा सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी किहो जिहा जनेऊ चाहते सन? सोने का बनया, हीरियां का बनया, सूत का बनया, सत गुना दा बनया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ है जी सत गुना दा बनया जनेऊ गुरु नानक देव जी चाहते सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है जी, गुरु नानक देव जी ने किस स्थान ते मोदी खाने विच नौकरी की? सुल्तानपुर लोधी, करतारपुर, ननकाना साहब, गोइंदवाल। तो इसका राइट आंसर है जी सुल्तानपुर लोधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, 1522 ईस्वी विच गुरु नानक देव जी ने रावी दरिया के कंडे ते केड़ा शहर वसाया? कीरतपुर, करतारपुर, तरन तारण, गोइंदवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है जी, करतारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस गुरु साहिबान नू हिंद दी चादर कहा जाता है? गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद जी। इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड है जी, गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी ने बाबर दे किस हमले की तुलना पापा दी जंज नाल कीती? पहले हमले दी, दूजे हमले दी, तीजे हमले दी, चौथे हमले दी। इसका राइट आंसर है जी तीजे हमले दी। गुरु नानक देव जी ने बाबर दे किस हमले की तुलना पापा दी जंज नाल कीती? तो इसका राइट आंसर है जी तीजे हमले दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन ठग नाल गुरु जी दी पेंट कित्थे हुई? कामरूप, तुलंबा, तिब्बत, असाम। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड है जी तुलंबा। सज्जन ठग नाल गुरु जी दी पेंट तुलंबा विखे हुई। तो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुम इस चैनल पर नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।